नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निबोरिया। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे, जी हाँ, कृषि जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, यदि आप कौशल विकास केंद्र के बारे में जानना चाहते हैं, किसानों से संबंधित जानना चाहते हैं कि किसान भाई किस प्रकार से कौशल विकास केंद्र के सहायता से कौशल विज्ञान जो कौशल विकास योजना चल रही है उसके माध्यम से किस प्रकार से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही हम कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो आज हमारे जो विषय हैं वो भी यही हैं। जी हाँ, कौशल विकास योजना और कस्टम हायरिंग योजना, ये दोनों ही हमारे विषय हैं। और आज के इस विषय के बारे में जो भी आपके सवाल हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर हैं उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। ये दोनों ही नंबर निःशुल्क हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और इन सवालों के जो जवाब देंगे वो हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेषज्ञ, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागनी राणावत, सह प्राध्यापक हैं आप राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमार, विषय विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रेवाड़ी हरियाणा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं कौशल विकास योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं, तो आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करते हैं। डॉक्टर राजकुमार, कस्टम हायरिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कृषि को उन्नत बनाने के लिए आजकल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं कृषि को उन्नत तो बना ही रहे हैं, कृषि में आर्थिक रूप से तरक्की भी कर रहे हैं। हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो देश भी तरक्की करेगा। तो अगर हम बात करें कस्टम हायरिंग सेंटर की, तो कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे स्थापित की जाए और क्यों ज़रूरी है ये? सर, कस्टम हायरिंग सेंटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे, जैसे आपने भी देखा है, हमारे किसान भाई, हम भी इधर उधर जाते रहते हैं जी। तो आजकल जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जो खेती बाड़ी है वो बहुत ही छोटी होती जा रही है, और एक छोटा जो किसान होता है हमारा, उसके पास में 0.1 हेक्टेयर से भी ज़मीन कम होती है, तो वो जो ज़्यादा जो काफ़ी महंगे इम्प्लीमेंट है वो ख़रीद नहीं पाता। इसलिए हमने ये भारत सरकार की योजना चली है जिसपे कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके और 8 से 10 किसानों का समूह बना के, और उस पर किसान को हमारी जो सरकार है वो 80% तक अनुदान भी देती है, और उसको अगर किसान भाई सपोज़ करो कि मान लो अगर वो 6-7 इम्प्लीमेंट लेके और एक ट्रैक्टर लेके अपने एरिया के अंदर अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके हरियाणा सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें पूरे के पूरे एरिया में, पूरे जितना भी उसका एरिया होता है गांव का या दूसरे गांव में भी जाके, वो अपने वहां पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करके और छोटे जमींदारों को कम रेट पे और उनकी जुताई करवा सकता है, बिजाई करवा सकता है, बाकी थ्रेसिंग करवा सकता है। उसके अंदर काफ़ी इम्प्लीमेंट है सर, वो मैं बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई यदि चाहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, तो कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा इस तरह से सरकारी योजनाओं के माध्यम से अनुदान भी दिया जाता है। किस प्रकार से कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा सकती है, इसे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखते हैं। देश नए कृषि यंत्रीकरण के दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसमें एक ओर कृषकों की अच्छी गुणवत्ता के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कमजोर कृषि वर्ग के कृषकों हेतु कस्टम हायरिंग सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है। देश के उन क्षेत्रों में जहां विशेष समस्या विद्यमान है अथवा किसी विशेष फसल या प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना है, उनके लिए विशेष कृषि यंत्रों तथा तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाना आवश्यक है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के विशेष अनुदान सरकार द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों के विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना हेतु ऐसे निजी हितग्राही प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को, जो कृषि कार्य हेतु किसानों को किराए पर मशीनें एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवा देने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करना चाहते हैं,
उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीकों के यंत्र की लागत का 40% अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में यदि कोई कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना चाहता है तो इसके अंतर्गत उसकी आयु अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। केंद्र की स्थापना हेतु प्रकरण बनाकर बैंक से स्वीकृत कराए जाना होगा और अनुदान राशि बैंक के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु सहायता इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जिला सहकारी केंद्र बैंक से ऋण प्राप्त कर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई किस प्रकार से उन्नत तकनीकों का उपयोग करके कृषि को उन्नत बना सकते हैं, साथ ही कस्टमाइज सेंटर किसानों के लिए भी हैं जो कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी करते हैं, महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे में कस्टमाइज सेंटर उनकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं रोजगार की, तो रोजगार की बात आती है तो बात आती है कौशल की। तो कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कई सारे रोजगार पाने वाले युवक हैं इसमें आवेदन करते हैं और किस प्रकार से इसमें आवेदन करके रोजगार पाया जा सकता है विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर अग्नि जी आपसे जानना चाहेंगे कौशल विकास योजना की अगर हम बात कीजिए तो कौशल विकास यानी कि कौशल की बात आती है तो कहीं ना कहीं युवाओं की बात आती है, उनके कौशल को निखारने की बात आती है, एक रोजगार देने की बात आती है, तो कौशल विकास योजना कितनी व्यापक है? देखिए हमारा देश एक युवा देश है, हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो युवाओं से बना है, परंतु यदि हम इन्हीं युवाओं की कुशलता की बात करें चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो तो हमारे देश के विभिन्न सेक्टर्स में कुशल कार्यकर्ताओं की गंभीर कमी है। इसका असर जो है हम इन सेक्टर्स में जो इनकी उत्पादकता है इन सेक्टर्स की उसमें आती गिरावट के रूप में हम देख सकते हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जो युवा हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं जी। इसी परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास बहुत बड़ी प्राथमिकता बनता जा रहा है हमारे देश के लिए, क्योंकि यही एक विकल्प है जिससे हम न सिर्फ युवा बल्कि एक कुशल युवा कार्यबल हमारे देश के लिए तैयार कर पाएंगे जो कि हमारे देश को विश्व पटल पर ही एक कुशल प्रबंधक कौशल प्रबंधक के रूप में जो है वो स्थापित कर सकता है। जी बिल्कुल, तो कौशल विकास योजना एक ऐसी प्रभावी योजना है जिसके माध्यम से हमारे बेरोजगार युवक जो रोजगार की तलाश में है उनके कौशल को उन्नत बनाकर उन्हें रोजगार दिलाया जा सकता है। तो क्या है कौशल विकास योजना, आइए जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि केवल डिग्री हासिल कर लेने से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी, इसके लिए जरूरी है कि हर हुनरमंद को पहचाना जाए और उन्हें सही ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जाए। कृषि क्षेत्र में इसकी अपार संभावनाएं हैं। दुनिया भर में भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है, फिर भी खेती को लेकर नई पीढ़ी में कई बार उदासीनता का भाव नजर आता है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। देश के तमाम हिस्सों में नई पीढ़ी के हुनरमंद हाथों को खेती की नई तकनीकी के लिए तैयार किया जा रहा है और इस दिशा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। खासकर एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय कृषि कौशल विकास परिषद देश भर में कई ऐसे कार्यक्रम चला रहा है और आने वाले दिनों में भारतीय कृषि कौशल विकास परिषद 29 राज्यों में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। इसके लिए हर जगह कृषि से जुड़ी तमाम कंपनियां और संस्थाएं आगे आ रही हैं और अपने अपने प्रशिक्षण केंद्र में हुनरमंदों को ट्रेनिंग दे रही हैं। कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला सेक्टर है। इसमें ज्यादातर लोग परंपरागत खेती में तो कुशल हैं, लेकिन आधुनिक खेती के तौर तरीके वे नहीं जानते। फसलों की कटाई के बाद उपज को बाजार तक पहुंचाने और उचित मूल्य पाने तक की ट्रेनिंग आज की जरूरत है। कौशल विकास के इन कार्यक्रमों के जरिए अब तक इन केंद्रों से आधुनिक कृषि तकनीकी में हजारों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
तो हमारे किसान भाई कौशल विकास योजना के माध्यम से रोजगार पा सकते हैं, कौशल को उन्नत बना सकते हैं और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने कई सारी राहें खुलती हैं। तो हम बात करते हैं अब कौशल विकास योजना की, साथ ही हम बात करेंगे कि कस्टमरिंग सेंटर किस प्रकार से स्थापित किए जाएँ। यदि हम बात करें डॉक्टर राजकुमार कि कस्टमरिंग सेंटर, इसमें कई सारी मशीनरी भी आती हैं, सरकार से अनुदान भी मिलता है, तो यदि शुरुआत करनी हो कस्टमरिंग सेंटर की तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या कुछ अर्हता चाहिए, क्या कुछ आवेदन करना है, कहाँ आवेदन करना चाहिए इसके लिए? इसमें सबसे पहले 8 से 10 किसानों का समूह बनाना पड़ता है जी। समूह ज़रूरी है। हाँ जी। उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, किसान क्लब भी हो सकता है, और दूसरे जो आजकल जो बेरोजगार युवा है वो भी अपना कोई युवा क्लब बना के रजिस्टर्ड करवा के नाबार्ड द्वारा या दूसरे और किसी गवर्नमेंट नेहरू युवा केंद्र से अगर वो करके। इसमें ये भी ज़रूरी है कि कितने पुरानी संस्था है आपकी? हाँ, पुरानी भी हो सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है जी। चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसमें 8 से 10 किसान हो, 12 भी हो सकते हैं, उसके अंदर उनको समूह बना के और वो जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का विभाग होता है वहाँ पर उनको अप्लाई करना होता है, वो हर स्टेट में होता है जी। जी। और उसके बाद में वहाँ अप्लाई करके फिर उनको जैसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और दूसरा बैंक की जो पासबुक होती है, किस बैंक में उनका खाता खुला है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है। उसके बाद में जो वो अधिकारी होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के, एग्रीकल्चर विभाग द्वारा, वो फिर उनको गाइडलाइन देते हैं जी, जो भारत सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो गाइडलाइन दी है कि आपको 80% अनुदान मिलेगा समूह बना के करते हो तो। अगर इसमें एक ट्रैक्टर लेना होता है जी 40 हॉर्स पावर का, 45 हॉर्स पावर का जी। उसके बाद में जैसे आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है कि सट्रा मैनेजमेंट का, जो हमारे फसल अवशेष है उनको किसान खेत में जला देते हैं जी, जो पराली वगैरह होती है उसको खेत में ही प्रबंध करने के लिए हमारे जो सरकार है वो कहती है कि आप कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करो। उसके बाद में उस कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके उसमें जो पराली जलाने के जो साधन है जैसे जिससे हम खेत में ही मिला सकते हैं, उसमें जैसे आजकल सुपर सट्रा मैनेजमेंट है जी, जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है जो हमारी, जिससे कि हम धान काटते हैं उसमें, यानी पराली जो है जो अवशेष है खेत के उसे इन मशीनों के द्वारा आप पुनः, हाँ हम उसके अंदर खेत में मिला सकते हैं। हाँ, खेत में मिला सकते हैं जिससे कि हमारे खेत की जो उपजाऊपन शक्ति है वो बनी रहेगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और उसके बाद में वो जो जितना भी उसमें सट्रा होता है इसके अलावा वो सारा का सारा मिल जाता है जी। ऐसे भी काफी इक्विपमेंट है जी, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको जी। अभी हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, रमेश कुमार जी। जी रमेश कुमार जी, जी जी सर, मैं इसके कौशल पे कोई पर्सनल काम भी कर सकते हैं सर, जब कंटीन का है कोई बैंक से एड मिलती हो सर जी? कौशल विकास योजना से संबंधित सवाल कर रहे हैं रागिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो खुद का भी कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं और किस प्रकार से सरकार के द्वारा उन्हें कोई सहायता मिलेगी, कोई सहायता मुहैया हो सकती है उन्हें जी? आप देखिए, कौशल विकास का मेन उद्देश्य यही है कि आप या तो रोजगार योग्य बने या फिर आप अपना कोई उद्योग स्थापित करके दूसरों को भी रोजगार देने के योग्य बन जाएं। अब इसके अंदर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप किस क्षेत्र में जो है अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो हमारी योजना के अंतर्गत आपको उसकी जॉब भूमिका उसमें उपलब्ध है या नहीं। खैर, अगर आप रोजगार लेना चाहते हैं या अपना उद्योग भी स्थापित करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको पहले औपचारिक रूप से प्रशिक्षण जो है वो लेना आवश्यक है। उसके लिए आपको अपना पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा। सरकार की तरफ से आपको एक यही एक सहायता है कि ये जो प्रशिक्षण आप लेंगे ये निःशुल्क होगा और इसके साथ ही सरकार इस योजना के द्वारा पूरी पूरी जिम्मेदारी लेती है और पूरा पूरा प्रयास करती है कि औपचारिक रूप से प्रशिक्षण लेने के बाद आपको पहले 3 माह में ही आपके अनुरूप कोई ना कोई रोजगार जो है वो मिल जाता है। रागिनी जी, यदि हम बात करें कृषि के हिसाब से कि यदि कृषि के क्षेत्र में कोई युवा रोजगार चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कृषि के क्षेत्र में रोजगार हमने पहले भी अभी सुना है कि कृषि बहुत ज़्यादा अंकों में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो है आपको रोजगार उपलब्ध करवाता है, पर क्योंकि हमारे पास
इसी क्षेत्र में कुशल कार्यबल की कमी है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है और दूसरा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ASCI एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। यह एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, एक SSC है। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न क्वालिफिकेशन पैक्स यानी योग्यता पैक और जॉब भूमिकाओं का गठन किया गया है। अब सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट रूप से ये देख रही है कि आप ऐसे नहीं कि किसी भी आपने खेती का प्रशिक्षण ले लिया या फल उत्पादन का प्रशिक्षण ले लिया, ऐसा नहीं है। क्वालिफिकेशन पैक्स के द्वारा जॉब रोल जो है, जॉब भूमिका जो है वो फिक्स कर दी गई है कि आप सोयाबीन कल्टीवेशन की प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या कार्बनिक खेती के तकनीशियन बनना चाहते हैं या उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादक बनना चाहते हैं, ये सब कुछ जो दिशा है वो पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। साथ ही ASCI के अंतर्गत ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप जो भी प्रशिक्षण लेंगे उसमें किस विषय पर आपको जानकारी मिलेगी, क्या क्या आपको जानकारी मिलेगी, और साथ ही आपको उस जिस भी जॉब रोल का आपने चयन किया है, जो आप कई सारे जॉब रोल की सूची जो है वो उपलब्ध है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ASCI से संबंध, तो उसमें आप चयन करने के बाद आपको उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में आपको प्रशिक्षण जो है खेती से संबंधित प्राप्त होगा और उसके हर आयाम पर आपको प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने सोयाबीन कल्टीवेशन पर यदि आपने अपना जॉब भूमिका का चयन किया है तो सिर्फ और सिर्फ उसको उगाते कैसे हैं यही तक ही ये सीमित नहीं रहेगा, इसके आगे उसकी बिक्री, विपणन, वितरण आदि संबंधित पूरी जानकारी जो है आपको उस विषय पर दी जाएगी। जी, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं, अर्हता की बात करें, उम्र की बात करें, कितनी उम्र हो सकती है, यानी कितनी उम्र तक हमारे जो किसान भाई हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं? देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करते हैं तो 18 वर्ष से ऊपर के सभी जो युवा हैं वह इस योजना का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। यह योजना पूरी तरीके से युवाओं पर केंद्रित है क्योंकि हम एक युवा कार्यबल, कुशल कार्यबल चाहते हैं। इसके साथ ही आपके पास 2-3 और आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति आपको करनी होगी। यह योजना बेरोजगार युवाओं के लिए और उन युवाओं के लिए जिनकी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई जो है वो बीच में ही छूट गई है, यानी वे स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ आपका 18 वर्ष से ऊपर होना आयु जरूरी है, यानी 10वीं पास जी होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पढ़ाई बीच में अगर छूट गई है, इसमें ये नहीं है कि आपके पास इतना आपका पास होना जरूरी है, परंतु जैसे कि मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा SSCs का गठन किया गया है, जैसे खेती की ASCI है, खाद्य पदार्थ के लिए FICSI है, तो इन SSCs की यदि कोई अपनी कोई विशेष आवश्यकता है तो आपको उस प्रशिक्षणार्थी को वो आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है। अदरवाइज आपके पास 18 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है और आप बेरोजगार हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हैं तो आपका, या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, किसान भाई यदि आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट चुकी है, यदि आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में बाध्यता नहीं है उम्र की, जैसा कि रागिनी जी ने बताया, यदि आप स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप अपना खुद का उद्यम भी शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, कौशल विकास योजना के बारे में जो अभी आप दिखा रहा था, तो उसके बारे में जानना चाह रहे थे। आप भी अपना खेती करते हैं? जी, आप खेती करते हैं तो कौशल विकास में किस क्षेत्र में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? सर, मैं हम लोग के तरफ जो है ना, अभी जैसे कि सारी फसल होती है, मकई का खेती होती है, आगे में मकई का खेती आने वाला है जी, तो मतलब कौशल विकास जो है, मतलब 4-5 किसान का समूह जो बोला, इसको कैसे बनाया जाता है समूह? जी रखनी जी, जी जी, एक आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जहां हम कौशल विकास की बात कर रहे हैं तो वहां आपको 4-5 लोगों का समूह बनाने की अनिवार्यता नहीं है। इसके साथ आप कह रहे हैं कि आगे मकई की खेती का समय आ रहा है, आप खेती कर रहे हैं और कौशल विकास के ऊपर जानकारी चाहते हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अपनी एक वेबसाइट है, यदि आपके परिवार में कोई भी इस वेबसाइट तक पहुँच पाता है, अपने फ़ोन में ही आप खोल सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY official.org। इस वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो आपको ASCI के अंतर्गत
पूरे जॉब रोल्स यानी जॉब भूमिका आपके सामने खुल जाएंगे जिसके ऊपर आपको प्रशिक्षण जो है खेती पर मिल सकेगा। इसको ढूंढने का तरीका यह है कि आप फाइंड अ ट्रेनिंग सेंटर पर क्लिक करें और उसके बाद अपनी खेती का सेक्टर का चयन करें। उसके बाद आपके सामने पूरी सूची जो है वो खुल जाएगी कि उसके ऊपर आपके तकरीबन किस किस चीज़ पर आपको लगता है कि आप इसके ऊपर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मकई की खेती, जो जहाँ तक मुझे पता है वो आपके जॉब रोल का हिस्सा नहीं है, जॉब भूमिकाएं जो है उसी आधार पर बनाई गई हैं कि खेती के किस किस आयाम से किसान अपनी एक रोजगार योग्य हो सकते हैं और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। आप जैसे ही जॉब भूमिका का चयन करते हैं तो आपके पास में ट्रेनिंग सेंटर की सूची खुल जाती है कि आपका नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है जहां जाकर आप अपना पंजीकरण करवाकर निशुल्क जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी जॉब भूमिका के आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे ज़िले में जो भी ट्रेनिंग सेंटर है मुझे उसको संपर्क करना है और वो जिसपे भी प्रशिक्षण मेरे को देगा उसका लाभ मुझे लेना है, तो आप एक तीसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं जिसमें आप सीधा सीधा अपने राज्य और अपने शहर का नाम इस वेबसाइट में फाइंड अ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर डालेंगे तो आपको आपका नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएगा और उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कहाँ है आपका ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ इसका क्या फ़ोन नंबर है, कौन आपको प्रशिक्षण देगा, किस किस क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण मिलेगा, ये पूरी जानकारी के आधार पर आप संपर्क करके पंजीकरण करवा सकते हैं। जी रागनी जी, आपने जॉब रोल की बात की इसमें और कई सारे सेगमेंट की बात की, तो यदि कोई किसान भाई किस किस में ट्रेनिंग लेना जरूर सही है और आजकल बाजार में किस किस जॉब रोल की मांग है जिसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे किसान भाई? जी देखिए, ये काम भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से बहुत आसान हो जाता है कि इसकी जो सूची बनाई गई है वो बहुत काफ़ी मेहनत और काफ़ी शोध के बाद जो हमने जो जॉब रोल का जो चयन किया है, गठन किया है, वो बहुत शोध के बाद तैयार की गई है और इसी आधार पर तैयार की गई है कि कौन सी खेती के कौन से ऐसे आयाम हैं जो किसानों की इनकम को बढ़ाने का जो जिसमें स्कोप है। जैसे कि मैं कार्बनिक खेती की बात करती हूँ, तो कार्बनिक खेती एक ऐसा आयाम है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काफ़ी जोर दे रही है क्योंकि इसमें काफ़ी स्कोप है किसानों की आय को आगे बढ़ाने का। इसका मार्केट बहुत अच्छा है, आजकल शहरी इलाकों में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो है वो मांग बहुत ज़्यादा है। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी जॉब रोल है जिसमें हमारी महिलाएं ट्रेनिंग ले सकती हैं? जैसे आज महिला किसान दिवस है तो यदि हम बात करें कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए कौन सा जॉब रोल है जिससे महिलाएं प्रशिक्षण लेकर अपने लिए स्वरोजगार की स्थापना कर सकती हैं, शुरुआत कर सकती हैं स्वरोजगार की? देखिए, खेती अब एक पुरुष प्रधान व्यवसाय नहीं रहा। जो हम पहले सोचते थे कि खेती जो है वो पुरुषों द्वारा की जाती है, आज की सच्चाई ये है कि 60 से 70% जो कार्य हैं वो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं खेती में। तो हम महिलाओं के लिए इस चीज़ को हम बांटना हमें सही नहीं रहेगा कि ये चीज़ महिलाएं कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती। फिर भी यदि अनुकूलता की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसे कई किस्म के प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप रखते हैं, चाहे वो पनीर मेकर का है, कोल्ड स्टोरेज तकनीशियन का है, बिस्किट तकनीशियन, बिस्किट स्पेशलिस्ट, बेकरी टेक्नीशियन, जैम जेली केचप स्पेशलिस्ट, ऐसे कई सारे जो हैं जॉब रोल्स जिनका गठन किया गया है। पर मैं फिर कहूँगी ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी इसमें जा सकते हैं और जो जॉब रोल्स हैं उसमें महिलाएं भी हर एक जॉब रोल में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार स्थापित कर सकती हैं, अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं। जी जी, डॉक्टर राजकुमार आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि रागनी जी ने बताया कि महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं कई सारे जॉब रोल हैं जिससे वो कर सकती हैं, कहीं ना कहीं आज कोई अंतर नहीं रह गया पुरुष या महिलाओं में। यदि हम बात करें कि कस्टमाइजिंग सेंटर की, तो यदि महिला कोई किसान कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित करना चाहती है तो क्या सब्सिडी में अधिकता है, सब्सिडी ज़्यादा मिलती है उन्हें पुरुषों के मुकाबले, किस प्रकार से कोई सरकारी अनुदान मिल सकता है उन्हें एक कस्टमाइजिंग सेंटर की स्थापना के लिए? हाँ, इसमें काफ़ी सारी योजना है जी, जो कि अगर उसमें महिला किसान भी शामिल हो सकती है उस समूह में, लेकिन उसके अंदर ऐसा है, ये जो सब्सिडी किसानों को जो मिलती है उसमें 80% का ही है। ऐसा नहीं है कि जी किसान अगर उसमें महिला जुड़ती है तो सब्सिडी बढ़ जाएगी, लेकिन काफ़ी सारी और जो है इसके अंदर, जो इन्होंने मैडम ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग में है, जो डेयरी प्रसंस्करण में है, उसके अंदर अगर महिला किसान जुड़ती है तो उसके अंदर उसको 33% से ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, बल्कि जो पुरुष किसान अगर जुड़ता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलती है। लेकिन कस्टम हायरिंग योजना ऐसी योजना सरकार ने तैयार की है कि इसके अंदर चाहे महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो तो उसको 80% मिलती है, और अगर इंडिविजुअल कोई लेता है तो उसको 50% अनुदान पे
कोई भी इम्प्लीमेंट है वो ले सकता है अपने एरिया के हिसाब से, जो उसकी वहाँ जिस एरिया में लोकेलिटी के हिसाब से सीड ड्रिल लेना है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल लेना है, या सट्रा चॉपर लेना है, या सट्रा रिपर लेना है, रिपर बाइंडर लेना है जी, या जीरो टिलेज मशीन लेनी है, या हैप्पी सीडर लेना है, अपने एरिया के हिसाब से वो ले सकता है। और उसको कस्टम, ये कस्टम हायरिंग सेंटर भी सरकार की योजना मेरे हिसाब से, या जो जितना जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा इसमें जी। रोज़गार जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो एक किसान रोटावेटर खरीद के अगर वो दिन के अंदर मान लो एक किले को एक घंटे में बहा के 1200 रुपये कमाता है, अगर मान लो 400-500 रुपये उसके डीजल का खर्च हो जाता है तो फिर भी वो 700-800 रुपये एक किले से कमा लेता है। अगर वो दिन के अंदर 8 किले निकाल देता है जी, तो उसका आप देखो कि कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो वो दिन में वैसे कमा लेता है जी। अगर वो महीने के हिसाब से देखे, अगर वो एक सीज़न के अंदर मान लो 100 एकड़ भी निकाल देता है तो कितना पैसा कमा लेता है। इसी हिसाब से हैरो है, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है, थ्रेसिंग मशीन है, दूसरी हमारी सट्रा चॉपर है, सट्रा रीपर है, सट्रा बाइंडर है, अगर उनको भी यूज़ करेगा इस मशीनों को, जैसे पराली के प्रबंधन के लिए यूज़ करेगा, रोटावेटर से कमाएगा, दूसरे मशीनों से भी कमाएगा जी, तो ये एक रोज़गार, हाँ ये एक किसानों का बड़ा अच्छा रोज़गार का साधन है जी, जी। जो कि बहुत ही मतलब इसमें किसान कमा सकता है। आजकल तो किसान छोटे रह गए और समूह बना के अगर करते हैं तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा जी। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते सवाल सर, मैं रजनीश कुमार पांडे बोल रहा हूँ, यूपी बलिया से। जी रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैंने एक साल पहले रोटावेटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑनलाइन, जो हम लोगों क्या होता है यूपी उसमें पोर्टल में, तो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद सर मेरे पास कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं उसको कैसे ले पाऊंगा सर जी? रघुवीर जी आपका सही है क्वेश्चन, कई बार ये होता है जैसे रोटावेटर के साथ में और भी आपने मशीनों के लिए वो किया होगा ऑनलाइन पोर्टल पे, तो इसके अंदर जो आपका यूपी का जो पोर्टल सिस्टम बनाया हुआ है उस पे उनके नंबर भी होते हैं जी, जैसे जो कृषि विकास अधिकारी होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो होते हैं ना अधिकारी, उनके नंबर भी होते हैं, आप उनसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो जी। आप उन पे फ़ोन पे पूछो जी, हमने एक साल पहले ये रोटावेटर के लिए अप्लाई किया था, हमारी जो नंबर है अभी तक क्यों नहीं आया। ये इसमें ऐसा होता है जी, जैसे रोटावेटर में काफ़ी जैसे डिमांड रहती है ना, तो इसमें ड्रा सिस्टम निकलता है जी, हो सकता है आपका ड्रा में नंबर ना आया हो, हो सकता है आपको अगली बार आए, जैसे जैसे मान लो होता है कि एक ज़िले के अंदर 50 रोटावेटर देने हैं, आवेदन आ जाते हैं मान लो 200, तो उसके अंदर फिर जो हमारा प्रशासन होता है वो कहता है जी आप इसमें ड्रा सिस्टम निकालो, ड्रा के अंदर जिसका निकलता है सरकार फिर प्रशासन है वो उसको ही दे देता है जी। जी शायद यही कारण रहा होगा कि आपको वो ड्रा में नंबर नहीं आया होगा जी। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में जी। हाँ अभी हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। डॉक्टर अग्नि, आपसे जानना चाहेंगे कि कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो कई बार आपने बताया कि इसमें कई तरह के सेगमेंट हैं, किसानों के लिए अलग हैं, युवाओं के लिए अलग हैं, यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मुख्य गतिविधियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से हमारे युवा इसमें अपना रोजगार या उद्यम शुरू कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पहले हम समझें कि ये है क्या। ये कौशल प्रमाणीकरण आधारित योजना है, यानी कि इसके अंदर जो भी स्वीकृत किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं यदि आप उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तो आर्थिक मदद देकर जो है युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह योजना रखती है। इसके कई आयाम हैं, जैसे कि हमारा मौजूदा कार्यबल है उसकी क्षमता को बढ़ाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। यह योजना 2016 से 2022 की समयावधि के लिए जो है ये तैयार की गई है, चल रही है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्वालिफिकेशन पैक्स जो हैं वो बनाए गए हैं और SSCs का गठन किया गया है, SSCs यानी सेक्टर स्किल काउंसिल। इनमें खेती का ASCI है, खाद्य पदार्थ का FICSI है, इसी तरीके से रबर, फर्नीचर, पावर आदि के सबके अलग अलग SSCs का गठन किया गया है।
इनके अंतर्गत अब हम खेती की बात करें या खाद्य पदार्थ की बात करें, अपने अपने जॉब रोल्स, जॉब भूमिकाएं हैं, जैसे कि मैंने कहा था कार्बनिक टेक्नीशियन हो जाता है, बेकरी टेक्नीशियन हो जाता है, सब अपने अपने जॉब भूमिकाएं अलग अलग तैयार कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप कई प्रकार की गतिविधियां आती हैं। सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, यानी कि कम समयावधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह 150 से 300 घंटे की समयावधि का होता है और इसके अंदर 18 वर्ष से अधिक के युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही उनके पास इस योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके साथ आपका एक वैलिड बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि एक वैलिड खाता संख्या होनी चाहिए और एक वैकल्पिक परिचय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, चाहे वो आपका वोटर आई डी हो, पासपोर्ट हो आदि। इसके साथ ही आप जो है जब इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं, तब आपके पास एक एक सम होता है, एक आर्थिक मदद जो है 500 रुपए की, वो आपके खाते में जो है सीधा ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और इसी से ही हम युवाओं को और आकर्षित करना चाहते हैं कौशल विकास की तरफ, कि आप जो भी जॉब भूमिका का चयन करें उसमें पूरी तरीके से निपुण होकर औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करके फिर आप अपने रोजगार। राकेश जी, यहाँ ये सवाल ये उठता है कि कई बार किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं होती है कि किस जॉब रोल का चयन करना है। ऐसे में यदि उनके सामने असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाए, तो ऐसे में कौन उनकी मदद कर सकता है, कहाँ से उन्हें सही काउंसलिंग मिल सकती है, सही राय मिल सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप आपके आसपास जितने भी, जैसे मैंने कहा, एक तो मैंने आपको ट्रेनिंग सेंटर यानी प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बताया। हर प्रशिक्षण केंद्र के लिए अनिवार्य है कि वो हर 6 माह में कौशल मेले का आयोजन करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये अनिवार्यता कर दी गई है। तो आपके क्षेत्र में जब भी कौशल मेले का आयोजन हो, तो आप उसमें भागीदार बने, आप उसमें पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या ये योजना करती है, क्या क्या इसमें जॉब रोल्स उपलब्ध हैं और इसमें से आपके लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या चयन करना आसान रहेगा और सही रहेगा। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र, आपका नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र की सारी जलवायु, फसलों आदि की जानकारी रखता है। आप उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि हमारे पास जो आज हमारी जो स्थिति है पानी की, मृदा के स्वास्थ्य की, बीजों की, उसके आधार पर ऐसा कौन सा जॉब रोल, ऐसा कौन सा जॉब भूमिका है जो आपको चयन करना चाहिए और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ उसके अंतर्गत लेना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करिए, वो भी आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी जी हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी जी योगेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, पहला सवाल तो ये है कि हम कृषि यंत्रों की ट्रैक्टर खरीदना चाहें। जी अगर हम कृषि के लिए ट्रैक्टर की खरीद तो आपके यहाँ से कोई कृषि में कोई सब्सिडी आता है? जी हेलो जी डॉक्टर राजकुमार जी, देखिए इनका सवाल है कि ये कस्टम हायरिंग सेंटर में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इसमें किसान भाई ऐसा है, ट्रैक्टर के साथ में आप जो आपके एरिया के हिसाब से जो इम्प्लीमेंट है वो भी आप साथ में ले सकते हो, जैसे रोटावेटर है, जीरो टिलेज मशीन है, हैप्पी सीडर है, आपका सट्रा चॉपर है, आपका ये कल्टीवेटर है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है और थ्रेसर भी आप ले सकते हो। उसमें कुल मिला के आपको 80% सब्सिडी मिलेगी और 10 से 15 लाख तक आप उसमें खर्च कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रैक्टर की जो कीमत है वो सरकार द्वारा मिल जाएगी, जो आप अपना इम्प्लीमेंट है कोई 35,000 का आता है, कोई 75,000 का आता है, वो आप उसमें अपनी सब्सिडी में काउंट करके वो आपको अपने इम्प्लीमेंट आपके और ट्रैक्टर भी आपका, आप उसके अंदर अपना कस्टम हायरिंग से जितने भी आपके एरिया में जो चलते हैं उनको चलाइए और उसके बाद में आप अपना रोज़गार चलाइए और उस जो प्रॉफिट है वो आप अपने आपस में जो भी आपके जितने भी 8-10 मेंबर बनेंगे वो उसमें आप बांट सकते हो। राजकुमार जी, सवाल यहाँ उठता है कि न्यूनतम कितनी राशि अमूमन किसान भाई के पास होना चाहिए जिससे वे कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर सकें? पहले ऐसा था जी, इसमें 2.5 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए सरकार देगी और 2.5 लाख रुपए किसान को लगाना होता था जी।
अब अगर वर्तमान स्थिति में हम बात करें तो तकरीबन जैसे उसमें अगर आप बात करें रोटावेटर भी है, कल्टीवेटर भी है, तो उसमें अगर हम बात करें कि ट्रैक्टर भी है, हाँ, तो ट्रैक्टर भी अगर है। बड़े स्तर पर स्थापित करना हो तो कितनी पूंजी चाहिए उसमें? अब 3 से 4 लाख रुपए अगर किसान लगाता है तो बाकी उसको सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। जी ठीक। डॉक्टर अग्नि, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम बात करें कौशल विकास योजना की, तो प्रशिक्षण जब पूर्ण कर लेते हैं हमारे किसान भाई, उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? किस प्रकार से मदद करता है जो ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारे किसान भाइयों की? प्रशिक्षण पूर्ण करने के पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या चीज़ का ध्यान रखें, तब जाके हम सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण मान पाएंगे। उसके लिए आपको प्रशिक्षण के समय सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो है उपस्थिति की। आपको तकरीबन 70% तक उपस्थिति दर्ज करवाना ज़रूरी है। हर प्रशिक्षणार्थी को अपनी ट्रेनिंग में इस बात का ध्यान रखना है। जी। आप जो है उपस्थिति भी ऐसे ही नहीं, आपको आधार से लिंक बायोमेट्रिक सिस्टम से आपकी उपस्थिति दर्ज होगी आपके अंगूठे की निशानी पर। इसके बाद आपको प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अलग अलग स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। लेवल 1, 2 और 3 इस स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपको न्यूनतम 50% तक अंक अर्जित करना आवश्यक है, तभी आपको औपचारिक रूप से प्रशिक्षित जो है वो माना जाएगा। लेवल 4 से ऊपर के जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उसमें आपको कम से कम 70% तक अंक अर्जित करना जरूरी है। इसके बाद आपके जो भी प्रमाण पत्र आपको मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर ग्रेड भी दी जाती है। वो ग्रेड जो है वो आपके द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर तय होती है। यदि आप लेवल 1, 2 एंड 3 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 से 70% अंक अर्जित करते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगी। उसके बाद 75 से 85% तक अंक अर्जित करते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगी, और 85 से अधिक% अर्जित करने पर आपको ए ग्रेड मिलेगी। यह ग्रेड आपके सर्टिफिकेट पर छपी हुई होगी जो आगे आपको रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगी। अब हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे ही आपके हाथ में अपना प्रमाण पत्र आता है, तकरीबन 500 रुपये आपके खाते में जमा हो जाते हैं। उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना न सिर्फ प्रशिक्षण तक अपना ध्यान केंद्रित करती है बल्कि वह प्लेसमेंट भी इसका एक बहुत बड़ी गतिविधि है, यानी कि वो नौकरी देने की भी पूरा प्रयास करती है। इसमें अनिवार्य हो जाता है प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर के लिए कि वो पहले 3 माह में, जैसे आज हमारा प्रशिक्षण संपूर्ण हुआ है और आप उत्तीर्ण हो गए हैं, जो उत्तीर्ण भी आपको तृतीय पक्ष मूल्यांकन होगा, आपका प्रशिक्षण दाता जो है वो आपका परीक्षा नहीं लेगा, कोई तीसरी एजेंसी आएगी जो आपको परीक्षा जो जिसकी परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना होगा। इसके बाद आपके पहले 3 महीने में ही, प्रशिक्षण खत्म होने के पहले 3 महीने में ही अनिवार्य हो जाता है हर ट्रेनिंग सेंटर के लिए कि वो अपने 50% तक के ट्रेनीज को प्लेसमेंट यानी नौकरी लगवा दे। इसके लिए वो हर 6 माह में अनिवार्य रूप से रोजगार मेले का आयोजन करवाते हैं। रोजगार मेले में उन्होंने जिस भी आयाम पर ट्रेनिंग जो है वो आयोजित की है उससे संबंधित कंपनीज को बुलाकर और आपको रोजगार मेले में जो है कम्युनिकेट करवाना होता है। हमारे अगले कॉलर जो चुके हैं, आइए उन्हें ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो किसान, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। हेलो जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं तिलक सिंह बोल रहा हूँ जमालपुर से। जी तिलक सिंह जी बोलिए। जिला उत्तर प्रदेश। जी अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है जी, जब ये धान जो बोती है, जोत जो लगाती है मुंजी, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये जो मशीन जो धान लगाती है जी, उसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर राजकुमार, इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसका कितना अनुदान मिल जाएगा, कितने इसके बीघे के लिए, किसान के लिए? जी तिलक जी, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल धान लगाते हैं मैनुअली, उसके अंदर बहुत ही ये लेबोरियस वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लग जाती है। तो आजकल पैडी ट्रांसप्लांटर आता है जी, उसके अंदर आप ये सेल्फ प्रोपेल्ड आता है। आपको अनुदान की आपने जो पूछी है, इसमें इंडिविजुअल जो मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल फार्मर अगर इसमें लेता है किसान, तो इसमें 50% अनुदान मिलता है जी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। अगर इसके अंदर आपको ये मशीन लेनी है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले में होता है, वहाँ आप जाइए
और वहाँ उनसे मिलिए कि जी मेरे को पेडी ट्रांसप्लांटर लेना है, सेल्फ प्रोपेल्ड, जो अपने आप जो चलता है बिना उसके ट्रैक्टर पावर के। और उसमें आपको फिर वो ये बताएंगे कि जी आप जो जो हमारा BIA स्टैंडर्ड है, कौन सी जो फर्म है वो अप्रूव्ड है, उसके बाद में फिर आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, पैन कार्ड वगैरह वो सारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आप उनको जो भी BIA स्टैंडर्ड जो कंपनी है आपके उधर UP में, वहाँ से आप लीजिए और उनको बिल सबमिट कर दो, तो आपके खाते में वो अनुदान जो 50% है वो आ जाएगा। और इसकी जहाँ तक कीमत की जो बात है, कीमत इसमें कंपनी टू कंपनी वेरी करती है जी। हम ये कहते हैं कि आप जो BIA स्टैंडर्ड है, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो जो हमारी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ से वो मशीन अप्रूव्ड होनी चाहिए, टेस्ट की हुई होनी चाहिए। वहीं से अगर टेस्ट नहीं है तो आप उस मैन्युफैक्चरर से मशीन मत खरीदिए। वो टेस्टेड अगर है तो आप वहाँ से लीजिए, उस फर्म से नहीं तो मत लीजिए। जी डॉक्टर अग्नि जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कौशल विकास योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो खाद्य पदार्थ से संबंधित कौन सी ट्रेनिंग हमारे किसान भाई ले सकते हैं? देखिए, खाद्य पदार्थ अब आने वाले समय में तकरीबन वर्ष 2022 तक हमारे देश में खाद्य पदार्थ के उद्योग में 44 लाख अतिरिक्त कौशल कार्यबल की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा FICSI का गठन किया गया, फूड इंडस्ट्रीज कैपेसिटीज एंड स्किल इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत कई सारे, तकरीबन आज तक हम 125 प्रशिक्षण केंद्रों के साथ FICSI को संबद्ध कर चुके हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ संबंधित जो हैं वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसमें चाहे आपका जैम जेली केचप बनाना है, बिस्किट बनाना है, पनीर, डेयरी प्रोसेसर आदि जो भी हैं, इसके ऊपर आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके साथ आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी मानदंड हैं कि आप जो भी उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें आपने कुशलता अर्जित कर ली है, उसमें किस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, परिरक्षकों का यदि आप उपयोग करें तो उसका सीमित उपयोग कैसे करना है, क्या स्तर होना चाहिए, ये सब भी अनिवार्य रूप से हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसके साथ ही आपने अब आप कुशल हो गए हैं, आपको प्रमाण पत्र मिल गया है, तो आगे जाकर आप उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए आपका मार्केटिंग हो गया, सेल, आपके विपणन, वितरण, स्टोरेज, इन सब के ऊपर भी जानकारी आपको इसी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण में निःशुल्क आपको जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आप सिर्फ रोजगार योग्य ही नहीं बने, आप अपना अच्छा सा उद्योग स्थापित करें और अपने आसपास के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार प्रदान करें। जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई ने कहीं ना कहीं अपना स्वयं का रोजगार तो स्थापित कर ही सकते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा भी साबित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कृषि यंत्र बैंक आजकल बहुत नाम सुना जाता है, कृषि यंत्र बैंक का क्या काम है और ये कैसे मदद करती है किसान भाइयों की? कृषि यंत्र बैंक बनाने के बाद में, वो जितने भी ट्रैक्टर और मशीनें खरीदने के बाद में जी, फिर इसमें जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी ये निर्धारित करती है जी किसान को हम जो एक हैरो से जुताई करवानी है, फिर बिजाई करवानी है, या लेजर लैंड लेवलिंग से लेवल करवाना है खेत को, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो लगती है या फिर उसका जो बेनिफिट है वो कितना होना चाहिए, उसके बाद में वो डिसाइड किया जाता है भी इससे पर एकड़ लेजर लैंड लेवलिंग के इतने रुपए लेंगे। जो एक आम जो किसान खेत में जो अपना इंडिविजुअल ले रखा है वो उससे थोड़ा सा रेट जेन्युइन रखेंगे। जैसे मान लो अगर हैरो के इंडिविजुअल फार्मर अगर 600 रुपये किले के लेता है, तो जो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया है जी, जो सरकार द्वारा, वो 500 रुपये या वो लायबल रखेंगे कि एक छोटा ज़मींदार है वो उससे इंडिविजुअल फार्मर से वो कम ले रहा है। तो इसलिए सारे जितने भी समूह बनेंगे, जितने भी किसान होंगे, वो अट्रैक्टिव होंगे उस कस्टम हायरिंग सेंटर की तरफ। उनको पता लगेगा भाई ये कस्टम हायरिंग सेंटर, इनके पास इतनी हैरो है, इतनी मशीनें हैं, इतने सीड ड्रिल है, तो वो इनसे कम पैसा लेते हैं तो उनके ज़्यादा मतलब किसान आएंगे, उनसे ज़्यादा काम करवाएंगे, तो उनको अपने आप ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा जी। जितना ज़्यादा एरिया उनका निकलेगा सीजन में, उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा जी। डॉक्टर राजकुमार, हमारे किसान भाइयों को संक्षेप में कस्टमरिंग सेंटर जो स्थापित करते हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? मेरा किसान भाइयों से यही है जी कि कस्टमरिंग सेंटर स्थापित करके अपना बिल्कुल कोई भी उसके अंदर वो मत रखो भाई भतीजावाद या कि उसको हमने ये करना है, प्रायोरिटी बेस रखो और बिल्कुल मतलब निःशुल्क मतलब शुल्क लो, इतना लो जितना कि आपका मतलब किसान के लायबल हो जी। डॉक्टर अग्नि, आपकी ओर से हमारे किसान भाइयों को कोई सुझाव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर?
चाहे महिला हो या पुरुष किसान हो, आप अपने आप की अपनी क्षमता का वर्धन यदि करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री महिला दिवस को लेकर भी, आज महिला दिवस है उसको लेकर भी हमारे महिलाओं को भी आप कुछ कहना चाहें तो। जी बिल्कुल, कृषक महिलाओं पर हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर है, चाहे हम माने या नहीं माने। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप अपना क्षमता वर्धन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ें और न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र को ऊपर उठाने की आपको एक अवसर मिलेगा यदि आप एक कुशल कार्यबल का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्नि तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, आज महिला किसान दिवस है और कहीं ना कहीं आज का जो दिवस है वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि कौशल विकास योजना में यदि महिलाएं अपने हाथ आजमाती हैं तो वो आर्थिक रूप से तरक्की कर सकती हैं। जो कल का विषय है उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारा जो कल का विषय है वो है शरदकालीन गन्ने की बुआई और फूलों की व्यावसायिक खेती। इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल या सुझाव हैं आप हम तक फेसबुक के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। और इस नंबर के माध्यम से अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाएं। तो आप इंतज़ार ना करें, जल्दी से फ़ोन उठाएं और आप हमें कॉल करें। तो कहीं ना कहीं कौशल विकास योजना एक ऐसी प्रभावी योजना है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को रोज़गार भी मिलता है और कहीं ना कहीं कस्टमरिंग सेंटर उन्नत कृषि को बनाने के लिए भी सहायक साबित हो रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे, नमस्कार।